गुड मॉर्निंग एवरी वन बेटा, वेलकम टू दी जीके क्लास। आई एम नितिका, योर जीके टीचर। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो है जीके का स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड, संसार के अजूबे। पूरे वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है नेचर इज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट एंड द वर्ल्ड इज फिल्ड विद इट्स अमेजिंग क्रिएशंस। नेचर जो है बहुत सारे आर्टिस्ट है एक तरह का, और पूरा संसार जो है इसके अलग अलग क्रिएशन से भरा पड़ा है। हमने सेवन वंडर्स जो है नेचुरल वर्ल्ड के ढूंढने हैं इसमें हमें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गिवन क्ल्यू एंड पिक्चर, हमें कुछ क्ल्यूज दिए हैं और पिक्चर दी है, उसका नेम हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला है दिस 444 किलोमीटर लॉन्ग, 29 किलोमीटर वाइड एंड 6,000 फीट डीप जॉर्ज कार्ब्ड आउट बाई द रिवर क्लोरेडो इज इन अरिज़ोना यूएसए। यूएसए में ये डीप जॉर्ज कार्ब्ड है जो कि इस रिवर में से आया है, रिवर क्लोरेडो। ये यूएसए में है, इसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट सब कुछ दिया है। इसका नेम है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ये सबसे पहला वंडर हो गया। देन द स्पेक्टुकुलर नेचुरल लाइट शो कैन बी सीन इन दी आर्कटिक सर्कल स्काई। नेचुरल लाइट का शो ये सर्कल स्काई में देखा जाता है। दीज ब्राइट डांसिंग लाइट्स, ये डांसिंग लाइट्स जो है अपेयर इन मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में दिखती हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन कलर है पेल ग्रीन एंड पिंक, ठीक है जी। ये वाला शो, इसका नेम है एरोरा बोरियल्स। आगे है दिस वाटरफॉल ऑन रिवर जेम्बेजी, ये रिवर जेम्बेजी पे होता है वाटरफॉल, बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जिम्बाबिया। जिम्बाब्वे के और जैम्बिया के बॉर्डर पे ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द लोकल पीपल कॉल्ड इट मोसी ओवा तुनिया। बेटा ये आपका इंडियन वर्ड नहीं है, इसका मतलब है टू द स्मॉक दैट थंडर्स, ऐसा धुआं जो आवाज करता है, ठीक है। इस वाटरफॉल में जो धुआं निकलता है वो आवाज करता है। इसका नेम है विक्टोरिया फॉल्स। आगे है बेटा दिस रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग थिंग। लार्जेस्ट लिविंग थिंग है ये रीफ। रीफ होता है या तो समुंदर के नीचे पोर्शन में दिखने वाली चीज़ या ऊपर, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कॉरल पॉलिप्स, ठीक है। इसमें बिलियन टाइप के, बिलियन मतलब करोड़ों अरबों तरह के जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनको हम, इट इज़ इवन विजिबल फ्रॉम स्पेस, इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। उसका नेम है ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ ऐसी चीज होती है जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो दिखती है या तो सरफेस पर, सी के सरफेस के नीचे की तरफ। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। इन 1965 में 9 मेंबर्स ऑफ एन इंडियन आर्मी के 9 मेंबर एक्सपेडिशन बिकेम द फर्स्ट इंडियंस टू रीच इट्स समिट। सबसे पहले इंडियन बने थे जो इसके टॉप पर पहुंचे थे, ये है माउंट एवरेस्ट, अपने इंडिया में नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे मिलता है। आगे बेटा ये डिड यू नो वाला पैराग्राफ देखो। अर्णिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूट एज वेल एज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। अर्णिमा सिन्हा इंडिया की पहली विमेन प्लस पहली इंसान थी इंडिया की जिसने क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को। ओके बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का फर्स्ट पेज डन होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।